छतरपुर में मौसम के मिजाज बिगड़ने से हुई बारिश से हरपालपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पीडीएस रेलवे स्टेशन पर खुले में रखा हजारों टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। यह गेहूं छतरपुर जिले में खरीदी केंद्रों से 16 लाख टन भारत सरकार ने खरीदा था, जिससे रेल मार्ग से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था, लेकिन अचानक हुई बारिश से यह हजारों टन गेहूं गीला हो गया। लेकिन जब मीडिया को पता चला तो भारत सरकार के ठेकेदारों ने इस गेहूं को बचाने के लिए पॉलिथीन की चादर डाली, लेकिन तब तक पीडीएस का गेहूं गीला हो चुका था। अब जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। ये जो गेहूं है एफसीआई के चार रैक का प्लान में कभी आया हुआ है, तो उसमें से एक रैक जा चुकी है, दूसरा भी एफसीआई को प्रदान की जाएगी दूसरे रैक के लिए, तो ये हम तो एफसीआई को दे चुके हैं, तो ये एफसीआई की जिम्मेदारी है उसको सुरक्षित रखना। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।